दौसा गंगापुर रेलवे लाइन का शनिवार को करीब ढाई दशक के बाद शुभारंभ हुआ, जिसका दौसा रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में सांसद जसकौर मीणा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि 1998 में दौसा के पूर्व सांसद स्वर्गीय राजेश पायलट ने इसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार इसे पूरा नहीं कर पाई और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज 26 साल बाद इस परियोजना को पूरी कर आज इसका शुभारंभ करवाया गया, जिसका शुभारंभ करने का सौभाग्य मिलने से मैं दौसा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस अवसर पर दौसा सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जयपुर से बयाना लाइन को हरी झंडी दिखने का अवसर मिला था और इस कार्यकाल के अंतिम समय में भी दौसा से गंगापुर रेलवे लाइन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत जनता का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती हूँ। दौसा वासियों के लिए मैं सोचती हूँ, मैं भी दौसा की बेटी हूँ, दौसा की बेटी होने के नाते नाते बुआ होने के नाते दौसा के लिए ये बहुत ही अद्भुत काम हुआ है। जो 26 साल से इंतजार कर रहे थे वो काम आज मोदी जी ने पूरा करके दिया है। हमारे देश के मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे मंत्री, मेरा सौभाग्य है कि मैंने दौसा गंगापुर को हरी झंडी दिखाकर जो रवाना किया, ये मैं सोच रही हूँ मेरे राजनीतिक के अंतिम काल में भी वही काम हुआ जो अटल जी के राज में जयपुर से बयाना चलाकर जो हमने जसकौर मेल चलाई, आज पुनः दौसा से गंगापुर रेल को झंडी दिखाकर दौसा वासियों। इस अवसर पर DRM विकास पूरवार ने कहा कि बहुत ही कठिनाइयों के बाद दौसा से गंगापुर रेलवे लाइन का शुभारंभ किया गया। अजमेर से जयपुर जो डेमो ट्रेन चलती थी उसे अब गंगापुर तक के लिए बढ़ाया गया है, जिसके चलते अजमेर से चलकर ट्रेन जयपुर करीब 10:45 पर आएगी और 11:05 तक दौसा पहुंचेगी। 10 मिनट का स्टॉप लेने के बाद यहां से 11:15 पर गंगापुर के लिए ट्रेन रवाना होगी। देखिए, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि दौसा वासियों के लिए एक ये सौगात है जिसमें दौसा से गंगापुर सिटी के बीच में एक नई रेल सेवा का आज प्रारंभ किया गया है और ये मतलब मैं इस अवसर पर उपस्थित हूँ और मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों को 26 साल से इंतज़ार था तो वो आज समय आया है, आज वो मुकाम पर हम लोग पहुँच गए हैं कि हम इस रेल सेवा को संचालित कर सकें। और यह रेल सेवा अभी तो जो एक ट्रेन अजमेर से अभी तक जयपुर सिटी के बीच में जो DMU ट्रेन चलती थी उसी को एक्सटेंड किया गया है अप टू गंगापुर सिटी। तो ये जयपुर में ट्रेन 9:45 के करीब आती है और ये दौसा में 11:05 पर ये ट्रेन आया करेगी और ये 10 मिनट के स्टॉपेज के साथ 11:15 पर यहाँ से चलेगी और करीब करीब यहाँ से लगभग जितने भी इस रेलवे खंड पर जो हमारे स्टेशंस हैं उन सभी स्टेशनों पर रुकेगी। 11 स्टेशंस बीच में आएंगे जिसमें दौसा से गंगापुर के बीच 9 स्टेशनों पर इसका स्टॉप करते हुए गंगापुर पहुँचेगी। यह दौसा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और इसे अब दौसा को जंक्शन का दर्जा भी मिल गया है। इस अवसर पर भाजपा के कई कार्यकर्ता व रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। दौसा के इतिहास में यह बहुत स्वर्णिम अवसर है। लालचोट गंगापुर और आगे के यात्रियों की जब कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी कोटा MP के लिए तो दौसा के यात्रियों के लिए इतनी बढ़िया सुविधा हो गई। आज 25 साल बाद ये लाइन चालू हुई है, ये एक बहुत बढ़िया अवसर है, बहुत स्वर्णिम अवसर है दौसा के इतिहास। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।